शाहनाला नागपुर रोड के किनारे रह रहे गरीब मजदूरों की माने तो कोरोना महामारी के बाद न सिर्फ इनकी रोजी रोटी छिन गई बल्कि 3 दिनों से इनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। पिछले 20 वर्षों से रह रहे इन झोपड़पट्टी में रहने वालों ने बताया कि लगभग 30 से 40 घर की यह बस्ती है जो कि नागपुर हाईवे से लगी हुई है। 3 दिन पहले तक तो इनके पास कुछ समाज सेवी संस्थाएं भोजन व्यवस्था लेकर पहुंची, किंतु पिछले 3 दिनों के बाद से इनके पास कोई भी इनका हाल जानने नहीं आया और न ही इनके खाने की व्यवस्था हुई। सड़क किनारे रहने वाले इन झोपड़पट्टी वासियों ने बताया कि ऐसे हालात उन्होंने कभी नहीं देखे। आने जाने वालों को देखकर उनकी आस बन जाती है कि शायद उनके लिए कोई भोजन लाकर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खाने पीने की व्यवस्था क्या है, कौन ला के दे रहा है, कैसे चल रहा है? कोई नहीं ला के दे रहा हमको, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत मिल जाता है वही खा लेते। कितने लोगों की बस्ती है यहाँ? 40 आदमी रहते हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं है, खाने को भी नहीं आता, 2-3 दिन से खाना भी बंद हो गया है। और खाने को काम मजदूरी करके पेट भरते हैं, वो भी मजदूरी बंद है, अब जा ही नहीं पा रहे जी, बारिश से लगा है उसके मारे कई बाहर घर से निकल नहीं पा रहे हैं, क्या करें, अब क्या खाएं। कितने घर हैं यहाँ पर? हमारे हैं 8 घर। कितने लोग रहते हैं 8 घर में? 8 घर में कोई बच्चे कछु और हमें 7 जन। टोटल कितने की बस्ती है? 30 आदमी बच्चे मिला के। हाँ, बच्चे मिला 30-40 लोग। हाँ, 30-40 आदमी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही व्यवस्था चाह रहे हैं साहब के, कहीं हमको खाने को मिले, हमारी टपरिया बन जाए, सही मकान बन जाए हमारा। अभी भोजन कितने 3-4 दिन से नहीं आ रहा? 3-4 दिन से नहीं आ रहा सर। कितना कमा लेते थे रोज? रोज तो हम कमा लेते थे 200-300 ऐसा कमा लेते, 250 कभी, अब वो भी बंद है साहब। उतना ही कमाते थे उतना ही खा लेते थे, अब वो सीजन से बंद है अभी जब।